आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन के सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर के बारे में, स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के बारे में, कि आपको किन किन स्मार्टफोन में ये वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि सक्सेसर है स्नैपड्रैगन 888 का। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा केवल आपको स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी जाए कि किन किन स्मार्टफोन में आपको ये वाला प्रोसेसर अभी स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, अगर वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 सक्सेसर होने वाला है स्नैपड्रैगन 888 का। पहले लीक्स आ रही थी कि आपको स्नैपड्रैगन 898 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बट उसकी जगह पे अब आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो कि 4nm आर्किटेक्चर से बना हुआ है। गाइस ये वाला प्रोसेसर काफी ज्यादा हैवी है और ये आपको अभी केवल फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको किन किन अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर मैं OnePlus के स्मार्टफोन की बात करूं कि OnePlus के आपको किस स्मार्टफोन में ये 8 जेन 1 का प्रोसेसर मिलने वाला है, तो OnePlus की जो 10 सीरीज आएगी, OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन में आपको 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर Xiaomi के स्मार्टफोन की बात की जाए तो Xiaomi 12 स्मार्टफोन में आपको 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Realme के स्मार्टफोन्स की अगर बात करें कि Realme के आपको किन-किन स्मार्टफोन में 8 Gen 1 का प्रोसेसर मिलने वाला है स्टार्टिंग में, तो अभी आपको Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन में ये 8 Gen 1 का प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं अगर Oppo के स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो Oppo की X4 सीरीज या फिर X5 सीरीज में आपको 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। मोटोरोला की अगर बात की जाए तो मोटोरोला के मोटो एज X30 स्मार्टफोन में आपको 8 जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 9 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है चाइना में, और हो सकता है आपको शायद रेड मैजिक 7 सीरीज में भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिले।